ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार परम सतगुरु बाबा ने विशेष बच्चों को गीता का भगवान सिद्ध करना है। बाबा के 25 तारीख के महावाक्य जिसमें बाबा ने कहा कि ये गीता का एपिसोड चल रहा है, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती है। तुम बच्चे जानते हो तो तुम्हें पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कब आया था, कब उसने आकर के राजयोग सिखाया था, तो ये तुम बच्चों को सिद्ध कर बतलाना है। तो आज की मुरली का सार भी वही है। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? किस बात का ध्यान रखना है तो बेड़ा पार हो जाए? स्वयं गीता का भगवान मेरे साथ है। और कौन सा ध्यान रहे? हाँ, बुद्धि बाहर नहीं भटके। अच्छा, बाबा ने कहा है सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है। तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया, तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है।
ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं। कौन सा? भारत का पहला पहला, जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम ही नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कब आया। हमें मालूम है, वो जानते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें उनसे पूछना चाहिए। भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वो गीता एपिसोड कब हुआ था? पहले राजयोग कब सिखाया ये पूछो, फिर जब राजाओं का राजा बनाता हूँ तो वो एपिसोड कब हुआ ये पूछो। ये बात कोई भी नहीं जानते। तुम अब प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग के आदि के बीच में। ये समझाओ, वो तो जानते नहीं हैं, तो ये कब होना चाहिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम युग पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर, भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं है। तो 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है, तो बाबा ने कहा पुरुषोत्तम वर्ष मनाते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है। हमें क्या मालूम है? हर 5000 वर्ष के बाद संगम आता है और उस संगम पर ही बाप आकर के हमें पुरुषों में उत्तम अर्थात देवता बनाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य से देवता बनाने के लिए बाप अब पढ़ा रहे हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष हैं ये देवताएं अर्थात लक्ष्मी नारायण। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर है। देवताएं जरूर सतयुग में होते हैं लेकिन बनाता बाबा संगम पर है, बाकी सब हैं कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण, ये पक्का पक्का याद करना है। कौन सी बात? हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। याद रहेगा सारा दिन में, आज याद रखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो ऊंच कुल के हैं, हम ब्राह्मण चोटी हैं तो वो नशा रहे। तो बाबा ने कहा नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है। नींद में भी उठा करके पूछो तो अपने कुल को बोलेंगे, और यहाँ हम बच्चे सच्चे बाबा के बने हैं फिर इस ईश्वरीय कुल को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा परंतु यहाँ फिर माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं फिर देवता कुल के बनते हैं, अगर ये याद रहे तो बहुत खुशी रहे। कौन सी बात की स्मृति बाबा ने बताई?
हम संगम युगी ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, अगर ये स्मृति रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर गीता भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन राजयोग भी सिखला रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितना आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है। बच्चों को लौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है। बाबा कहता है, पहले ये वर्षा मिलता है, शादी बर्बादी कराते। दुनिया वाले उसको कितना शुभ मानते हैं और भगवान क्या पढ़ा रहा है। बाबा क्यों कहता है, उसके पहले जो था उस समय वो मर्यादा थी, शादी कराना ये कंपलसरी था। अब के लिए बाबा कहते हैं, जबकि अंतिम जन्म है, अंतिम समय है और तुमको भगवान मिला है और भगवान को तुमने बुलाया भी पतित से पावन होने के लिए, तो तुम्हें पवित्र बनना है। अच्छा, रेफरेंस भी चाहिए ना। पहले तो पवित्रता का ज्ञान ही नहीं था, ना बन सकते थे ना चल सकते थे। अब ये अंतिम जन्म में घर जाने का समय है, देवता हमें बनना है, तो ज़रूर पवित्रता तो अपनानी होगी ना। तो बाबा ने कहा, शादी बर्बादी कराते हैं और बेखत का बाप कहते हैं कि ये काम महाशत्रु है। तो ज़रूर काम को जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ज़रूर संगम पर ही आएंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ ज़रूर हैं। कौन? तो बाबा ने कहा, हम भी यहाँ ज़रूर हैं, ऐसे भी नहीं कि सब फट से काम पर जीत पाते हैं। बाबा भी यहाँ है। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए, धारणा टूटी। तो ज़रूर कोई ऑर्डिनेंस है ना। बाप का फरमान है, काम को जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। आज गीता को सिद्ध करना है ना, तो गीता की मूल धारणा क्या है, काम महाशत्रु है, उसको जीतो तब मनमना भव होंगे, और जब मनमना भव होंगे तब फिर मध्य जीव अवसर का वर्षा मिलेगा ना। तो आधार तो यही है, पवित्रता। तो बाबा ने कहा, जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण हैं, इनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं। जिसको तुम राम राज्य कहते हो, बाबा ने कहा, जिसको तुम, दुनिया वाले भी कहते हैं ना, जिसको तुम राम राज्य कहते हो वो है वाइसलेस वर्ल्ड और ये है विशियस वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है, तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब
84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। आदि हमारा कैसा था? पवित्र था, तो अंत में भी हमारा कैसा होगा? पवित्र बन करके हम घर जाएंगे। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वॉइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं। करने वाला भी खुद पवित्रता का सागर है, वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी आना है जरूर। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही दुख धाम, रावण राज्य माना ही भक्ति मार्ग, गिरति कला। बाबा ने कहा रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो, ये लक्ष्मी नारायण है, दैवी राज्य की निशानी। अब ये पॉइंट पूरी हुई। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो तो प्रभात सवेरे को कहा जाता है, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। नहीं, अभी भी कई लोग फेरी निकालते हैं, घंट लेकर के बजाया और बोलते बोलते आगे जाते हैं। जी काय का दान करो तो पक्षियों में और उसमें डाल। तो बाबा ने कहा उस समय मनुष्य सोए रहते हैं इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहाँ सेंटर भी हो, जहाँ आकर मनुष्य समझें। आज एक ही बात पर बाबा चल रहा है, मनुष्य आकर के समझें कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही हम जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, ट्रांसलाइट वाला। जा चित्र भी बाबा कहता है ट्रांसलाइट वाला। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये एक चित्र और सीढ़ी, एक लक्ष्मी नारायण का, दूसरा सीढ़ी। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं ऐसे तुम ये दो तीन ट्रक सजा कर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। ये वो समय था जब बाबा डायरेक्शन देता था, अभी तो ये सारी सेवाएं पूरी हो चुकी। तो बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है, बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उसमें गरीब शाहूकार सब आ जाते हैं, श्री बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहाँ रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पद्म पति बनने वाले। सुना कौन हो? तुम हो
पद्मा पद्म पति बनने वाले सोभी 21 जन्मों के लिए। तो यहाँ हम बाबा के यज्ञ में जो करते हैं उसका अनेक गुणा हमें मिलता है सोभी 21 जन्मों के लिए। और दादी जानकी का इस बात पर बहुत अटेंशन रहता था हमेशा, जो बाबा के पक्के और सच्चे बच्चे हैं तो बाबा तो दादी उनको राय देती थी, कितने विदेश के भाई तुमको ये इतना बड़ा मकान है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें से इसको बेचो, इसमें से ये लो, इतना सफल करो, इतना अपने प्रति रखो। तो बाबा को चाहिए नहीं, लेकिन हमें अपने भाग्य को जमा करना है। तो बाबा ने कहा, बाबा खुद कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूं तुम्हारे लिए, हथेली पर वहिस्त लाया हूं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनको हथेली पर ही है, हुआ मालिक बना तो जैसे वो वर्षा हथेली पर ही है। बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं, बेहद का बाबा क्या कहता है, बच्चे को तो दे दिया मकान दुकान जायदाद। बेहद का बाप कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पाते हो। एक एक महावाक्य का अर्थ समझना, तुम मेरे बनते हो तब फिर स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी है। और स्वर्ग की बादशाही क्यों तुम्हारी है, क्योंकि तुमने काल पर जीत पाई है, तब वो बादशाही तुमको मिलती है। और जीत कहाँ पाएंगे, यहाँ जगत जीत बनेंगे। इक्कीस पीढ़ी क्योंकि तुमको काल पर, तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को कहते हैं महाकाल। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यम दूत भेजा, मंगा लिया, ऐसी कोई भी बात है नहीं। ये सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को बहुत मानते हैं, महाकाल के मंदिर भी हैं, ऐसे झंडियाँ लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये भी समझते हो कि ये राइट बात है, बाबा जो हमें समझा रहा है सो राइट बात है। बाप को याद करने से ही क्या होगा, जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होंगे। तो उसका प्रचार करना चाहिए, दूसरों को भी ये समझाना चाहिए कि बाप को याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होंगे। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। कुंभ मेले को याद किया तो इस वर्ष के एंड में 12 वर्ष के बाद जो महाकुंभ होता है, इलाहाबाद में महाकुंभ है और उसकी गवर्नमेंट बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां कर रही है। तो अभी मधुबन में मीटिंग थी, उस मीटिंग में ये बात निकली, बहुत लाखों लोग आते हैं, विदेशी भी बहुत आते हैं, और लगभग बताया कि 55
किलोमीटर में, हाँ मेला लगता है ये जो कुंभ का है, इतना बड़ा उसका एरिया होता है, सारे धर्म वाले सारे सन्यासी उनके स्टॉल्स होते हैं और वो सब जो हम वर्षों से करते आ रहे हैं। तो इस बारी मीटिंग में ऐसा निकला कि ये लास्ट कुंभ है, हमारी दृष्टि से तो लास्ट है ना, और इतना भव्य सरकार भी उसको भव्य बना रही है, तो बाबा के यज्ञ की तरफ से भी कोई विशाल और बहुत अच्छा आयोजन होना चाहिए। तो उसकी मीटिंग भी रखी थी छोटी कमेटी बना करके, तो कहा कि जगह के लिए अप्लाई करते हैं, जितनी बड़ी जगह हमें अलॉट करेंगे उसके अनुसार वहाँ पर मेला। फिर कहा कि सभी माना सारे भारत के बाबा के बच्चे मिल करके उस मेले को बहुत अच्छा बनाएं, नई नई आइडियाज़ निकालें, क्या नया कर सकते हैं। तो अभी मनोरमा बहन वहाँ पर विशेष निमित्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जितनी अधिक जगह मिलेगी तो वहाँ पर कर सकते हैं। फिर किसी ने सुझाव दिया कि किसी के साथ में आपका कांटेक्ट हो, अपने किन्हीं भाई बहनों का ऊपर के लेवल पर। तो मनोरमा बहन बोल रही थी, बोले इतने सन्यासी इतने महामंडलेश्वर हैं और उन लोगों के पास में भी, मिनिस्टर्स के पास में भी चिट्ठियां लगी हुई होती हैं, सभी अप्रोच करते हैं ना कि भी हमको ये जगह बड़ी दो, हमको इतनी जगह चाहिए। फिर भी बोली मैं ट्राई करती हूँ, फिर जितनी बड़ी जगह मिलेगी, क्योंकि उन दिनों में शहर से अंदर आना बहुत मुश्किल होता है, इतनी भीड़ होती है। दूसरा ये जनवरी मास आ जाता है, बहुत ठंडी होती है, तो जो आने जाने वाले अपने गाइड्स हैं उनको वहाँ पर ही टेंट लगा करके रहने की व्यवस्था करते हैं, भोजन भंडारा सब वहीं पर चलता है, एक तरफ मेला होता है, पीछे के साइड में ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं, अपने भाई बहने सेवाधारी भी रहते हैं और वो करते हैं। तो कहा कि बहुत अच्छे ढंग से इस मेले को बनाया जाए, तो आप लोग भी कुछ सोचना क्या नया किस ढंग से हो सकता है, तो आपकी भी एक अंगुली लग जाएगी, आपका आइडिया भी लग जाएगा कि नहीं ये चीज़ यहाँ पर इस ढंग से की जा सकती है। तो बाबा ने क्या कहा, स्नान करने का बहुत महत्व है, अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम नहीं है।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा, वास्तव में इसका नाम अमृत नहीं है, ये तो पढ़ाई है। ये सब हैं भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। जा, पढ़ाई भी किसकी है? भगवान की है। सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा सजाया रूप तो है नहीं, ये तो बाप इनमें आकर के पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही हैं जो आप समान बनाएंगे। सुना, बाबा कैसे हैं? निराकार हैं, पवित्र हैं, पवित्रता के सागर हैं। तो जैसे हैं वैसा आप समान बनाते हैं। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण थोड़े ही हैं जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं, भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वो कैसे पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाने वाला मैं हूँ। वो जो उसको श्री कृष्ण को दिखाते हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे? ये पर्दे लगा दो। सतयुग में पतित थोड़े ही होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी तुम श्री कृष्ण को नहीं देखेंगे। सुना, एक ही जन्म तो है ना, वो नाम रूप तो फिर बदली हो जाएगा। फिर तुम कभी भी श्री कृष्ण को उस नाम रूप में नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा है। इस जन्म का चित्र ये है, दूसरा जन्म लेंगे तो चित्र अलग होगा ना, शरीर। फिर बाबा कहता है, ये कुदरत का ड्रामा है। तो वंडरफुल बात न, हर जन्म के कैसे कैसे शरीर, क्या क्या। फिर बाबा कहते हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। बाप कहते हैं, तुम हूबहू इस फीचर से, इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम पढ़ते आएंगे। इसी फीचर से, इस कपड़े में कल्प कल्प पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना, आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। वो होती हैं हद की बातें, ये हैं बेहद की बातें। जो बेहद के बाप सिवाय कोई भी समझा नहीं सकते, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं, संग लग जाता है। सुना, पहले निश्चय बुद्धि बने, बस बाबा पढ़ा रहा है हमको, पढ़कर ये बनना है। फिर किसी के संग में गए तो संशय आ जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए। ईश्वरीय संग में चलता चले तो पार हो जाए। लगता है कभी कभी दूसरा रंग, संग का रंग, हाँ अभी अच्छा नहीं लगता, पर कहाँ ना कहाँ किसी किसी को बुद्धि को वो संग प्रभावित करता है। और फिर कोई ना कोई प्रकार के प्रश्न बुद्धि में आते हैं। इसलिए बीच बीच में बाबा हमको अटेंशन दिलाते हैं कि बच्चे इस ईश्वरीय संग से दूर नहीं।
संग छोड़ा तो बाबा ने क्या कहा था, ऊपर आ गया है, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं, तो बाप है ज्ञान का सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वो लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप की महिमा अलग, लक्ष्मी नारायण भले ऊंचे हैं इस साकारी जगत में, पर बाप की महिमा उनको नहीं दे सकते। तो बाबा ने कहा बाप है पवित्रता का सागर, भल वो देवताएं सत्युग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं ना। अंतर बताया, वो सागर ये बनते हैं पर सदा नहीं हैं। फिर भी आधा कल्प के बाद क्या होता है, गिरते हैं ना। बाबा ने कहा आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सदगति दाता मैं एक हूँ। तुम सदगति में जाते हो फिर ये बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुम भी श्री बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल ये है, तुम आते भी उनके पास हो, मुख्य तो बाबा है ना, तो आते भी उनके पास हो। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं, तो बाबा खुद ही कहता है अरे वो तो निराकार है। हाँ वो आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं शिव बाबा तो निराकार है, वो इनके तन में आते हैं, तो हम किसको मिलने जाते हैं। बाबा ने कहा इसलिए कहते हैं बाप दादा, समझा, हम किसको मिलने जाते हैं, बाप दादा। ये बाबा है उनका रथ जिस पर उनकी सवारी है, समझा, ये बाबा उनका रथ है जिन पर उनकी सवारी है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है परंतु ऐसे है नहीं। शिव भगवान उवाच, मैं तब आता हूँ, कब बाबा कब आते हैं, हाँ दुख अशांति होती है। बाबा ने कहा मैं आता ही तब हूँ जब भारत में अति धर्म ग्लानी होती है। अति अभी अति है या और होनी है, अति अति है, अभी अति का अंत होना, चारों तरफ अंधकार है, ना संबंधों में कुछ रहा है, ना संसार में कुछ रहा है, प्रकृति की ताकत भी खत्म हो गई है, हाँ सब सत्ताएं टूट रही हैं, हिल रही हैं, वो राज्य सत्ता हो, धर्म सत्ता हो, जो भी सत्ताएं हैं। तो बाबा ने कहा मैं आता भी तब हूँ जब भारत में अति धर्मग्लानी होती है। गीतावादी भूल भल कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, परंतु वो भी इसका अर्थ नहीं जानते। तुम्हारा तो ये बहुत छोटा सा झाड़ है,
इनको तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगता है। समझा, दो बातें बाबा ने कहा, नया भी है तो दूसरी तरफ फाउंडेशन भी कहा, तो उसको फिर क्या कहा, ये बाबा सैपलिंग लगा रहे, फाउंडेशन है ना ये, तो ये देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती, और धर्म स्थापकों को मेहनत नहीं लगती, यहाँ मेहनत लगती है। क्यों? हाँ, तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान बनाना है, कन्वर्ट हो गए हैं वहाँ से ढूंढ कर लाना है, फिर उनको ये स्मृति दिलाना कि तुम ब्राह्मण हो, तुम भारतवासी हो। कितनी मेहनत बाबा करते हैं, तो बाबा ने कहा कितनी मेहनत लगती है, वो तो ऊपर से आते रहते हैं, यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएँ बैठ पढ़ती हैं। जो पतित हैं उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। समझा, अंतर मेहनत का कारण। गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे, जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाएं। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख कर बैठ पढ़ते थे, समझते हैं कि पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में भी गीता का बहुत मान होता है। जल का भी महत्व है, भगवान के आगे रखेंगे कुछ भी है तो उसमें मंत्र जाप करके फिर सब तरफ छांटेंगे तो शुद्धिकरण का आधार जल हुआ ना, क्योंकि जल जल्दी वाइब्रेशंस को कैच करता है, और सबसे ज़्यादा अपने प्रकृति के अंदर, शरीर के अंदर जल का है, 70% पानी है शरीर में, तो पानी बाबा ने कहा। फिर बाबा कहते हैं गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। अब बाबा कहते हैं वो सब पास्ट हो गया, पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते हैं, वो सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया है, तो वो पक्का हो गया, ये सब खलास होना है। ये पता नहीं था, बाबा ने समझा ये सब होगा, देरी थोड़े ही है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे, ये बाबा अपना शुरू का अनुभव बता रहा है कि बाबा ने साक्षात्कार किया तो बाबा ने समझा बस मैं जाकर के ये बनूंगा, ये समझा थोड़े ही था, अभी कितना समय लगा। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसी हुई, ये बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं वो अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वो तो है देवता, भगवान विष्णु कहते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु, तो वो विष्णु का नाम लेते हैं। तो बाबा ने कहा वो कैसे पढ़ाएंगे, बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वो पालना और वो विनाश, ये बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान उवाच,
मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वो भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजयी पद दिलाया, ये अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का राज भी समझाया है, विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो बाकी सब बाकी सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं। सुना, अनेक बार किया है और करते रहेंगे, ये भी जानते हैं। और क्या जानते हैं? कार्य करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये भी जानते हैं। कोटों में कोई ही निकलेगा। देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वो निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। निकल रहे हैं ना बाबा के बच्चे, निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती जाएगी। जो अच्छा पढ़ते वो अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। फिर पावर हाउस के साथ योग होना चाहिए। योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। एक बाप से ही सुनना है। और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरी पॉइंट है, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। वरदान है, रूहानी माशुक की आकर्षण में आकर्षित हो मेहनत से मुक्त होने वाले
रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख बहुत खुश होते हैं। सुना, माशूक देखता है ये मेरे खोए हुए आशिक अब मुझे मिले हैं तो बहुत खुश होते हैं। आशिकों को लगता है हमारा जिसको इतने समय से ढूंढ रहे थे वो माशूक हमें मिल गया। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं, इस ध्यान से सुनना, जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो क्या होता है, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है। उस रूहानी माशूक की आकर्षण के अंदर जब चले गए तब फिर मेहनत से छूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश करती हैं। ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। मनोरंजन के लिए स्थान, मिलने के लिए वो आशिक माशूक भी क्या करते हैं, एकांत में जाते हैं ना मिलने के लिए। तो बाबा ने भी ये मिलने का स्थान आशिकों के लिए बनाया है। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। आज का स्वमान है, मैं सफलता मूर्त हूँ। जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो वैसे अपने तमोप्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो। सुना, जैसे भी है हम दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर के देखते हैं, ऐसे बाबा ने क्या कहा, अपने तमोगुणी संस्कारों को भी, ये मेरे नहीं हैं, उनको साक्षी होकर के देखो और समाप्त करो, अनुभव करो जैसे ये संस्कार स्वाहा हो रहे हैं। खाली देख लिया नहीं, लेकिन अनुभव करो जैसे ये संस्कार स्वाहा हो रहे हैं। ऐसा समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। ओम शांति।